हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन ट्यूटोरियल मेडिकल एजुकेशन। अब सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ ऑक्सीडोन प्लस कैप्सूल के बारे में। फ्रेंड्स, इसकी एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल आते हैं और जो इसका प्राइस है वो है 104 रुपये, यानी 104 रुपये। इसकी MRP 115 रुपये है। अगर आपको ये कहीं डिस्काउंट में मिल जाए तो ये 100 या 105 रुपये के आसपास ही मिल जाते हैं। एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल आते हैं। मैंने यहाँ पर इसमें 2 कैप्सूल निकाल के रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, इसकी पूरी डिब्बी आती है कैप्सूल्स की, और आइए इसके बेनिफिट्स, इसके यूसेज, इसके साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशंस एंड कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे काम करता है, आइए बात करते हैं। फ्रेंड्स, ऑक्सीडोन प्लस कैप्सूल एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट फूड, एंटीऑक्सीडेंट वेजिटेबल्स। गाइज, एंटीऑक्सीडेंट का हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल है, और इसके कुछ सोर्सेज हैं एंटीऑक्सीडेंट के जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे एलियम सल्फर कंपाउंड हुआ प्याज में, गार्लिक में, ठीक है, ऑनियन में एंड ग्रेप्स में, बेरीज में, पम्पकिन में, मैंगोज़ में, एप्रिकोट में, कैरट्स में, स्पाइनक में, और रेड वाइन में, टी में, सी फूड में, लीन मीट में, मिल्क एंड नट्स। सो मैनी फूड्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट होता, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। फ्रेंड्स, एंटीऑक्सीडेंट का बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी में, कैंसर से, हार्ट डिजीज़ से, फ्री रेडिकल से एंड बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन है, स्किन कंडीशन है, उनसे ये हमको प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, मैं इसकी कंपोजिशन भी आपको बता रहा हूँ। देखो, बीटा कैरोटीन है इसमें एंड मिनरल है एंड एंटीऑक्सीडेंट है। सो एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल है, मिनरल्स कैप्सूल हैं और बीटा कैरोटीन भी है इसमें। सो गाइज, ऑक्सीडोन प्लस कैप्सूल एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल हैं जिसमें बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन में आपका विटामिन ए आ जाता है, विटामिन ई, विटामिन सी, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, सल्फेट, मोनोहाइड्रेट, सेलेनियम, डाइऑक्साइड, ल्यूटीन एंड एस्टेक्सेंथिन सर्व एज अ एक्सेसरी लाइट गैदरिंग पिगमेंट एंड टू प्रोटेक्ट ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड ऑक्सीजन। सो गाइज, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, अल्ट्रा यूवी रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और ये मोस्टली जो है बीटा कैरोटीन, दे आर फाउंड इन द मैक्यूला ऑफ द ह्यूमन रेटिना। ठीक है, एक ह्यूमन क्रिस्टलिन लेंस होता है, उसके अंदर ये एक मैक्यूला होता है, उसके अंदर ये होता है, और जो कि एज रिलेटेड जो मैक्यूलर डिजनरेशन होते हैं, विजन लॉस हो जाता है, आँख दिखना बंद हो जाता है उम्र के चलते चलते, और आँखों में कमजोरी आ जाती है और आँखों के ब्लरी विज़न हो जाता है, विज़न ब्लर हो जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो मैक्यूलर डिजनरेशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ऑक्सीडोन प्लस कैप्सूल में ल्यूटीन, एस्टेक्सेंथिन भी है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से फोर्टिफाइड है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कॉपर, जिंक एंड सेलेनियम, जिनके हज़ारों सैकड़ों बेनिफिट्स हैं अगर आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करेंगे। तो ऑक्सीडोन प्लस कैप्सूल अगर आप 2 दिन में या 3 दिन में एक बार भी लेते हैं तो ये आपकी बहुत सारी जो इंटरनल डिजीज़ हैं, जो कंडीशंस हैं, जो बुढ़ापे में भी हो सकती हैं आपको, उनको कम कर देता है। ठीक है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कम कर देता है। फ्रेंड्स, मैक्यूलर डिजनरेशन में तो इसका यूज़ है ही, बाकी इसका जो कैटरेक्ट है, जैसे मोतियाबिंद बीमारी हो जाती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। ठीक है, क्योंकि इसमें विटामिन ए कंटेन है। ठीक है, इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, जो कि बालों के लिए, नाखूनों के लिए, स्किन के लिए, ठीक है, एंड आई के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, एंड ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये कैप्सूल है, बहुत ही सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपके बाल गिरते हैं, अगर आपकी आंखों में धुंधलापन नज़र आता है, अगर आपका विज़न ब्लर होता है, ठीक है, अगर आपको कैटरेक्ट जैसी कंडीशन होती है, अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है, अगर आप चश्मे के आदि हैं, हमारी स्किन की जो मैच्योर सेल होती हैं, जो यंग सेल्स होती हैं, वो भी डिजनरेट होने लगती हैं। सो उम्र बढ़ने के साथ साथ काफ़ी एज रिलेटेड डिसऑर्डर सामने आ जाते हैं, तो उनको कम करने के लिए ये कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे।
इसके जो यूज़ करने का तरीका है वो ऐसे है कि एक या दो कैप्सूल दिन में लेने पड़ेंगे आफ्टर मील, और डेली ये कैप्सूल आपने लेने पड़ेंगे, ठीक है, एक सुबह में और एक शाम में सोने से पहले। खाने के बाद इसको लेना है और सुबह में नाश्ते के बाद इसको लेना है, ठीक है गाइज़। गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।